Right now we are at the Lar Resort. ये जो है हाईलैंड में लोकेटेड है। मैं यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा है ये जगह, और मेरा दो साथी है मेरा साथ। यहाँ की एनवायरनमेंट इस तरह से दिखाई देता है। अभी मैं मेरा जो दोनों है उन दोनों की तरफ मैं अपना कैमरा को घुमा ले चलता हूँ। ये रहा सबसे मोस्ट हैंडसम और मोस्ट टैलेंटेड इंसान, जो कि लोहित और एंजॉय डिस्ट्रिक्ट में इसे हर कोई पसंद करते हैं लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल, बुद्धा हो या बुद्धि, हर कोई इनको पसंद करते हैं। स्टेप से बहुत ही इंस्पायर हूँ। जब ये फॉस्टर मोनिटर रहा करता था दो बार तो क्या ना ब्लॉग भी रखा है, तो वो वाला चीज़ जब मैं फॉस्टर मोनिटर बना तो वो सब चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश किया था। उसका रीज़न सिर्फ ये भैया है। आज का दिन में भैया की बहुत स्नेह लग रहा है। आप इतना खुशी क्यों हैं अभी बताइए? कोई खुशी नहीं हूँ आज का। अब दोनों ने यानी हमारे भाई लोग आया है तो थोड़ा खुशी हुआ। अविंग भाई भी आया, हमारे जनकुई भाई भी, तो पहले बार मुलाकात है हमारा यहाँ में कलाई बीच में। तो मैंने यहाँ में बहुत सारा अच्छा अच्छा जगह मिला है, वर्जिन फॉरेस्ट और ब्यूटीफुल यहाँ में रिजॉर्ट, यहाँ में छोटा छोटा झोपड़ी देखने को मिला, तो देख के मैं दिल को सुकून मिला। और आपने क्या क्या चीज़ यहाँ में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत महसूस किया इस रिजॉर्ट में तो आकर के? मैंने देखा हूँ कि यहाँ में बहुत सारा कमी है। होटल है लेकिन हमारे जो छोटा झोपड़ी है वहाँ में छोटा छोटा फाइन का ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिकल लाइन, इलेक्ट्रिसिटी जो है मेरे ख्याल से परमानेंटली होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ताकि मतलब हमारे कस्टमर जो है आकर्षण हो, अट्रैक्शन हो। जो सर्विस है, जो सर्विंग कर सर्विस करने वाला हमारे छोटा बहन लोग और बड़ा बहन भी है, यहाँ दीदी लोग है, तो काफ़ी मेरे ख्याल से काम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा कामयाब भी होता है, कभी डिले होता है। जस्ट हम लोग भी अभी कुछ खाने के लिए आया है, यानी फ्राइड राइस मंगा, चाउमीन मंगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, यहाँ में हमारे बहन लोग हैं तो ऐसे काम करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आने वाला कल में वो लोग से इंस्पायर हो। ये रिजॉर्ट जो है आपके लिए एक्सपीरियंस है, और खास लगभग एक साल पहले या दो साल पहले आप यहाँ पर आया था, और उस समय का ये रिजॉर्ट और आज का रिजॉर्ट यही में जो है कुछ इम्प्रूवमेंट आपने देखा है क्या? कुछ इम्प्रूवमेंट तो नहीं देखा था। उसी समय थोड़ा दिन भी थोड़ा गदा था और काम भी थोड़ा जल्दी होता था, तो आज का दिन तो सिर्फ दो आदमी दिखाई देने को मिला है। उसका कारण से जो हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, यहाँ जो हमने जो ऑर्डर किया है वो अभी बहुत डिले हो रहा है, लेकिन जो आने यहाँ में टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है इसलिए कस्टमर भी ज़्यादा होता है, इसका कारण डिले होता है। इसलिए मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग मत आए, यहाँ में बहुत सारा अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, टेस्टी टेस्टी, लेकिन थोड़ा सा डिले होता है, तो ये तो पेशेंस होना तो हर किसी को ज़रूरी है, तो कुछ वक्त तो रुक सकता है ना, तो इसलिए हम लोग भी रुक रहे हैं, क्योंकि एक इंसान जो है हमेशा पेशेंट होना है। ये सब पेशेंट जब जिस दिन पेशेंस जो आपका अंदर डिवेलप होगा तो आप बहुत कुछ कर सकेगा। तो ये डिले हो रहा है, मतलब हम लोग थोड़ा जल्दी में था जो ऐसे बोला था, डिले हो रहा था, तो इतना ही कहना था कि आपने सवार किया है, मतलब इम्प्रूवमेंट तो इतना नहीं आया है जितना वैसे ही का वैसे ही है अभी तक, लेकिन अच्छा है। सबर करना चाहूँगा, जिस तरह भैया ने कहा है जहाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को लेके कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, वो चीज़ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए यहाँ की जो की ओनर है उनको जो फर्स्ट स्टेप क्या क्या उठाना चाहिए? फर्स्ट स्टेप जो है इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ में कमी ही होता है, तो हो सकने से जनरेटर एक रखने से ठीक है लगता है हमको, जो वो लोग जो ये रिजॉर्ट खोल सकता है तो वो लोग तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं है, ऐसे ही लगता है, तो हो सकने से ये कस्टमर का सुविधा के लिए ये सब दे रखना ज़रूरी है। रिजॉर्ट ओनर है उनको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सजेशन देना चाहेगा क्या? सजेशन ये देना चाहूँगा कि यहाँ में हो सकने से स्टाफ भी और थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये जो एक मेडिल पाथ होता है, हम लोग हवाई से आने वाला भी तेजी से आने वाला बीच में होता है, तो थक जाता है, तो हर कोई यहाँ रेस्ट करने के लिए
मन लगता है तो हो सकता है स्टाफ ज़्यादा होने से जल्दी जल्दी सर्विस दे सकेगा, तो यहाँ में आने के लिए और अट्रैक्टिव होगा वो लोग को। तो मैं यही सजेशन देता हूँ कि यहाँ में हमेशा जो वर्कर्स लोग अवेलेबल होने से ठीक है, और अच्छा अच्छा टेस्टी वो तो मिल ही रहा है, तो उसको भी और अच्छा से करने से ठीक रहेगा। वेल, मैं यही उम्मीद करूँगा जो जिस तरह से मेरे दोस्तों ने ये चीज़ के बारे में जो पॉइंट्स है यहाँ पर उस चीज़ के बारे में कुछ ये सजेशन या कुछ वर्ड्स बोला गया है, वो वाला वर्ड्स यहाँ की जो ओनर है उन तक पहुँचे और इम्प्लीमेंट लाए, ताकि कर का दिन में और ज़्यादा कस्टमर्स लोग अट्रैक्टिव हो और आदमी आ जाए।